एक बात बोलो, सब लोग बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत खुशी खुशी लड़ाई के बगैर बैठे आज। वेट कर रहे ना बहुत टाइम से, मतलब बहुत तू तू मैं होती है। ओके गाइस रेडी स्टार्ट। हाँ सॉरी, वेयर इज इट रिलीज होने वाली है? किस तरह से प्रमोशन चल रहा है? फुल फ्लो में चल रहा है प्रमोशन? आपको क्या लग रहा है? नहीं पर आपसे हम रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? थैंक यू सर। आई थिंक 8 days आर लेफ्ट, 8 दिन बाकी है एंड ईच डे इज नाउ वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी वन नोज कि होली अभी आने वाला है, 13 मार्च को होली है, 10 मार्च को हमारी फिल्म रिलीज़ है। सो वी हैव ट्रीटेड दिस लाइक अ फेस्टिव रिलीज़। हम चाहते हैं कि होली की जो सेलिब्रेशन है वो हमारी फिल्म के साथ शुरू हो एंड आफ्टर लॉन्ग एक्चुअली हम दोनों ने एक बिल्कुल पारिवारिक फिल्म की है। इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म। चिल्ड्रेन कैन गो वॉच द फिल्म, यू कैन गो एंड सी इट इन द थिएटर एंड आई थिंक पेरेंट्स कैन गो, और पेरेंट्स को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी अपने बच्चों को लेके जाने के लिए और साथ में देखने के लिए, फैमिली मम्मी दादी सबके साथ। या एवरीवन जी, हमने लैंग्वेज को लेकर काफी काम किया है इस फिल्म में, तो इस प्रिपरेशन के बारे में बताइए, क्या प्रिपरेशन की थी आपने? सेंटर में देखना है आई थिंक थोड़ा बहुत प्रेपरेशन हमको करना था। डेफिनेटली हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स किए फिल्म शुरू करने से पहले। वरुण का एक्सेंट थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट था मुझसे, क्योंकि ही इज़ कमिंग फ्रॉम झांसी, मैं कोटा से हूँ विच इज़ द एजुकेशन हब ऑफ राजस्थान एंड इट इज़ इट वही डिफरेंस है आई थिंक हम दोनों में, जो नॉट ओनली इन लैंग्वेज स्पीकिंग पर कैरेक्टर्स और पर्सनैलिटी में भी। पर डेफिनेटली आई थिंक प्रेपरेशन तो शशांक ने ही करवाई हमसे। देखिए आई थिंक मोस्टली हर फिल्म के लिए हर एक्टर प्रिपेयर करता है, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग बोले कि बहुत डिफ़िकल्ट था, मैं सूरज के अंदर खड़ा था, मतलब मैं सोया नहीं रात भर, मैंने ये प्रिपेयर किया। ये आई होप कि जब लोग फिल्म देखें तो उन्हें एफर्टलेस लगे, ऐसा लगे नहीं कि ये बहुत रट्टा मार के आए या ये कुछ अननेचुरल है। तो अबाउट द प्रोसेस पहले भी बोला है बट मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज पीपल शुड फॉरगेट वरुण एंड आलिया एंड जस्ट फील कि बद्री और वैदेही है उनके सामने। इसके अलावा होली के टाइम पर रिलीज होने वाली, ये साल की होली काफी खास होने वाली है आप दोनों के लिए। बहुत कोई बचपन की मेमोरी है होली को लेकर जो आप शेयर करना चाहें आज के दिन? बहुत सारे। मुझे सबसे ज़्यादा तभी पसंद आता जब मैं स्कूल में होता था और होली आने वाला है और आप स्कूल से ही वाटर बॉटल्स, स्कूल के जो वाटर बॉटल्स है वो यू स्टार्ट थ्रोइंग वाटर फ्रॉम दैट ऑन ईच अदर। अगर स्कूल बस में मैं जाता था तो स्कूल बस में पानी ही पानी होता था, हम लोग रंग तो स्कूल में नहीं लेके आ सकते थे। और मज़ा बहुत मुझे आता था जब होली के नेक्स्ट दिन जब आप स्कूल जाते थे तो दो तीन बच्चे, काफ़ी बच्चे पर दो तीन ऐसे बच्चे होते थे जो बिल्कुल कलर में आते थे, मतलब एक तो पर्पल पर्पल ब्लू पिंक और ऐसे जब, और जब वो लोग बैठते थे तो एक ही नीला बच्चा है ऐसा या पर्पल बच्चा है। एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है, पर फिर वो रंग निकालना ऑयल के साथ बड़ा फन। बर्थडे प्लान अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया है। इट्स आई थिंक वो फिल्म के बहुत करीब है, वी प्रोबेबली वी विल बी डूइंग समथिंग, आई हैव नो आइडिया, पर कुछ प्लान मैन नहीं किया है। बट बिकॉज स्कूल की बात कर रहे थे तो मुझे आलिया का बर्थडे याद इसलिए रहता है क्योंकि जूलियस सीजर में जब आइड्स ऑफ मार्च बहुत एक ऐसा चीज़ था जो मेरे दिमाग में आइड्स ऑफ मार्च बहुत बिल्डअप होता था उसका, जूलियस आई नो and so jab, no because when I had asked you, I remember that when your birthday the first time when we I met, said rides of mars, the first time when I had asked jab, what do you want to give me, what am I want to give? Hopefully Badrinath Ki Dulhaniya success she'll be happy. I mean she'll gift it to me, I'll gift it to, I don't know what that's I'll the gift best her, it's so, I don't know, I'll gift her something. No, it's okay, I don't want it. Don't lie. I don't know, after the interview gets over she'll, I just want it up, that's it. A pucker, what is that? Alphabets you want? I want to eat food. Okay. Cheese balls would get me on my birthday. Alia, film to jal release hone wali, aap bahut excited bhi hain. Pichle do dino mein aap isliye bhi khabron mein hain kyunki dhamki bhare calls aaye the aapko lekar jaan se maarne ki dhamki, wo vyakti pakda gaya. Jaan se maarne ki dhamki hai? Jaan se maarne, sorry, I heard chance maarne ki dhamki hai.
हाँ सॉरी मेरी सॉरी सॉरी मैंने थोड़ी सर से भी आज बात की, उन्होंने बताया कि आप लोग अगर ब्रेक लग, मैंने पूछा कि एक्शन की जब ऐसे तब क्या है तो आलिया का रिएक्शन था, आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे, पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है मेरी या साथ के साथ सर? आई थिंक ऑनेस्टली आपने मुझे ब्रेव कहा, आई थिंक मैं अपने पिताजी और हमारी पुलिस को ब्रेव कहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल फिक्र करने की एक चांस भी नहीं दिया, दे जस्ट टुक ओवर और आई थिंक सब अभी सुलझ गया एंड एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीबडी इज सेफ एंड हैप्पी, तो बस लेकिन आज पहले कॉल आपको जब आया तो वही ना कि मन में डर था कि क्या होगा, आपने फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नो आई थिंक जैसे कि मैंने कहा एक 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 पिता और एक पेरेंट का काम होता है आपको सेफ फील करवाना, तो विद हिम बाय माय साइड देयर इज नो वे फॉर मी टू फील स्केयर्ड। थैंक यू। योर पिक्चर विद विराट हैज बीन ब्रेकिंग द इंटरनेट, सो व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड बिहाइंड दैट हैपेंड टू यू? बेसिकली आई थिंक इट वाज डन इन ऑल इट हैपेंड व्हेन आई When I got offered Badrinath Ki Dulhaniya, मैंने शशांक से पूछा था कि how will Badri look, what is his look like, how will, who is he a fan of? And शशांक said कि आज तो देश में सब लोग विराट कोहली के फ़ैन हैं, हर बच्चा विराट कोहली का फ़ैन है। एंड एक टाइम पे होता था कि हम लोग सब हीरोज़ के बाल कॉपी करते थे, जैसे अमित जी के होते थे या सलमान भाई फ्रॉम तेरे नाम, वो एक ट्रेंड हो गया था। बट आज के टाइम में पीपल कॉपी विराट कोहली हेयर स्टाइल, तो ही सेड कि तुम झांसी से तो It'll be that way, and I called up Alim Hakim, who is my barber and takes care of my hair, and wo Virat ke baal bhi kaatte hai. And then after that we went over there, and what happened? The barber only, na? What do you want to call him? I said anything. If you cut hair, what do you call that person? Yeah, stylist. मतलब अरे बाबा इज अ नाम, बाबा भी नाम ही होता ना? It's fine. It's fine. I'm not. I didn't say anything. I just smiled. Billu Baba also. I didn't say anything. I mean, Aisha is a barber only. Anyone who cuts hair is a barber. Okay, barber. Anyway, he's a salon owner also. Hakim Alim. He was cutting our hair. And basically, I told him I want that style. And Virat happened to be there as well. And Virat's a very... we're laughing a lot for... Salon owner. He owns a salon, a couple, he has a franchise. There's so many Hakim Alim salons all over. Yeah, that's true. He is. So anyway, so Virat was then. Virat is a very down-to-earth, very humble guy. And I told him that I'm copying your hairstyle. And he found it very amusing that it's happening. And that's it. Very sweet of him. Very, very, very sweet of him. And besides that, I think he's a very, very down-to-earth, very humble guy. And now is the captain of our country. I was very hesitant in releasing the pictures, but in fact he only told me that please don't worry about it, it's all in good nature and it's okay, you know. आप दोनों सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक डेंजरस प्लेटफॉर्म है। डेंजर हो गया भाई, डेंजर, बहुत डेंजर हो गया सोशल मीडिया। जो मतलब एक कमेंट डालो तो लेने के देने पड़ गए। आपको लगता है आप कुछ डालोगे कि कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा ही मिल जाता है आपको, क्या करेगा इंसान? क्योंकि मतलब पीछे बैठे बैठे मतलब पर्दे के पीछे तुम कुछ भी बोल रहे हो, मतलब इतने गंदे गंदे और नॉट इवन गंदे, जस्ट सेइंग एनीथिंग एंड नॉट रियली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वॉन्ट टू बस जस्ट से टू दोज हु थिंक के वो बहुत ऐसे रूड चीज़ बोल रहे हैं, मेरे सामने आ किसी के सामने आके ये चीज़ बोलो एंड देन इट्स नॉट ओनली सोशल मीडिया, मैं कहूँगा an excess of anything is bad. Correct. जब आप किसी भी चीज़ से addicted हो जाते हो तो वो it's dangerous. किसी भी चीज़ वो आप मतलब बोलते हैं कि fitness बहुत अच्छी चीज़ है, but आप 24/7 अगर workout ही करोगे तो it's not healthy anyway. That is also unhealthy. तो I think लोगों को, बच्चों को, जो भी मतलब मानते हैं, and I'm going to do this as well, क्योंकि मेरे हिसाब से just being on social media probably 1 hour a day or taking a break from it for a week, इट्स ऑलवेज हेल्दी। आप अपना फोन रात को जब आप सोते हो बंद कर दो और फिर सो जाओ। इट्स आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड। लोग कहते हैं कि अगर आप अपना फोन अपने पास में रखोगे, यू नो इट, यू कैन लोग स्लीप स्लीप इट्स नाइस और कीप इट अवे, रखो अपना फोन बट दूर रखो। आई यू नो आई एक्चुअली वी आर द रॉन्ग पीपल। मैं ये भी मानूंगा कि हम लोग अभी ये सब बोल रहे हैं तो लोग बोलेगा अरे तुम लोग खुद ही करते हो तो फिर क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, बट अगेन यू आर सेइंग इन एक्सेस। I want to try and freedom do it. Freedom of speech. No, it's not about that. Hmm. Oh, freedom of speech. तो मतलब आप कहीं भी दे सकते हो ना, social media पे ही जाके देने की क्या ज़रूरत है? So I think the excessive use of something is dangerous. And वही हो रहा है.
सोशल मीडिया इन इटसेल्फ डेंजरस नहीं है, बट आप जब बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाओ इससे तो नो ऑनेस्टली आई थिंक इट्स बोरिंग हो गया है कि हर एक टॉपिक को एक फिर ट्रेंड, फिर वो ट्रेंड करेगा ये ट्रेंड, इट्स बिकम बोरिंग, इट्स बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल। और हम लोग मैं अभी कहना चाहता हूँ कि हम लोग की फिल्म जो रिलीज होने वाली है, जो फिल्म है, हम लोग नहीं चाहते कि वो फिल्म सिर्फ फिगर्स से जानी जाए, हम लोग चाहते हैं कि फिल्म को प्यार मिले। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच मनी दिलवाले दुल्हनिया में, कोई नहीं बोल पाएगा, बिकॉज वी रिमेंबर राज एंड सिमरन, वी रिमेंबर द फिल्म, वी रिमेंबर द लव द फिल्म एंड द एंजॉयमेंट वी गॉट वॉचिंग इट। तो हम लोग वही चाहते हैं कि जैसे हम्टी को जितना प्यार मिला, लोग हम्टी को पहचानते हैं, काव्या को पहचानते हैं, सेम वे वो लोग बद्री को जाने, वैदी को जाने, और जो प्यार मिले वो पहचाने। एंड एटलीस्ट मी एंड आलिया, मैं आप सबको बोल दूँ कि हम लोग हमारे फिगर्स सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेंगे, बेटर नॉट पोस्ट, आई डोंट पोस्ट, वी वोंट। आपने कहा कि आपकी फेवरेट कंगना महाराज, कंगना ने भी कहा कि आपके वो फेवरेट है आप उनकी, तो कॉफी विद टाइम में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो आप उससे मानते हैं? देखिए आई थिंक वो एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा था और वो अपने पर्सपेक्टिव से कह रही थी। आई डोंट थिंक शी वाज अटैकिंग एनीबॉडी। हाँ, she wasn't talking about you. हाँ, आई डोंट थिंक शी वॉज अटैकिंग एनीबॉडी, क्योंकि वो उस टाइप की है भी नहीं। एंड आई फील कि मैंने अपने व्यूज़ इस पर बहुत बार बोल दिए है नेपोटिज्म के बारे में, मैं इसके बारे में भी बोर हो गई हूँ जैसे मैं सोशल मीडिया से बोर हो गई, इससे भी बोर हो गई, आई फील ये नेपोटिज्म नेपोटिज्म। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आप लोग उनके पकड़ो। हम अभी निकल गए, हम लोग दे गए, दे दिए हम लोग भी आंसर। लास्ट टू क्वेश्चन, यही मेरे को तो यही बहुत मेरा मेरे को, क्यों आपको हमारा गाना पसंद है तो फिर अभी मैं जियो ना, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में तो यही चल रहा है, चलने दो। मुझे अन्नू मल्लिक जी का वो गाना बहुत पसंद है, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। तो यू गिव एन आंसर नाउ, अरे बट आई डोंट, वीड यू मेक अप योर माइंड, सॉरी, अभी हमने स्टैंड लिया हमारे गाने के बारे में बात करने का, सिर्फ वो गाना पसंद है, बलम पिचकारी भी बहुत अच्छा है। बट मुझे बद्रीनाथ की दुनिया का जो नया गाना है ना, वो बद्री की दुनिया, वो बहुत पसंद है। और रोके ना रुके नैना, ओ हमारा हमारा कल एक गाना आ रहा गाने है, गाना आने वाला है, एंड अरिजीत सिंह हैज संग द सॉन्ग आफ्टर ही संग समझावा इन हम्टी शर्मा की दुनिया, दिस इज द हार्ट ब्रेक सॉन्ग ऑफ द ईयर ऑफ द फिल्म, इट्स कॉल्ड रोके ना रुके नैना, कि आप रोना चाहते हो पर आप अपने नैनों को रोक नहीं सकते और वो अपने आप ही रोते हैं, एंड बहुत ही इमोशनल गाना है, और नो वन सिंग्स लव बैलेड्स और हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स बेटर देन अरिजीत, एंड दैट्स कमिंग आउट टुमारो, एंड अमाल मलिक ने म्यूजिक दिया है। थैंक यू। आप छुपे हुए कब से? अरे बैठे क्यों हो, तबीयत ठीक नहीं है? कुछ सवाल ही नहीं पूछा आज आपने, मतलब आई एम हिडन ओवर देयर, दे मूड देयर, अरे यू आस्क यू से दो ना, यूए सर्टिफिकेट मिले बट वी आल्सो हियर द सीबीएफसी हैज आस्क्ड टू इंक्लूड अ डाउरी डिस्क्लेमर। सीबीएफसी हैज नॉट आस्क्ड एनीथिंग, सीबीएफसी इज समथिंग दैट सीबीएफसी हैज सेड। सी, हम लोग सेंसर बोर्ड को वैसे भी काफ़ी कुछ कहते हैं, बट जब नहीं कहना है तो क्यों कहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको, और कुछ उन लोग ने हमारे साथ किया भी नहीं, वी डोंट इवन नो हाउ दिस रिपोर्ट केम आउट, और इनफैक्ट जब ये मैंने भी पढ़ा ये, आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड मैंने पूछा भी था कि हाउ डिड इट कम आउट, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी हैव गिवन आउट, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ अ एग्जैक्टली, शी डजंट इवन नो, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कंसर्न्स द फिल्म, सेंसर बोर्ड पे वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है, वो उनको उससे डील करने, तो हमारे साथ हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है सेंसर बोर्ड। थैंक यू गाइस। सर कुछ पोस्ट कीजिए, ठीक है, थैंक यू गाइस। सामने ना, एक मनोज की भाई है, इधर इधर, ये साइड करना, फिर लो ना, आ जा 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 आ जा
आले और करूं ये सारे होना भाई भाई ये सारे होना ये साइड है इधर इधर को गाना पर मेरा ये बबीन आता है कि नहीं ये साइड ट्रायल कैमरा लो आजा का आजा नहीं मैं हां ठीक है ये साइड आते चलो हां ये साइड आते चलो इधर ये साइड जल्दी माने तो आंटी आ जाएगी जल्दी करो अरे नहीं तो आंटी आ जाएगी फरमा स्ट्रेट अरे लिए ना फोटो ऑलरेडी अरे जी वरुण जो ये थे मनोज के थैंक यू लिया करूँ सर यहाँ पे यहाँ पे सर स्ट्रेट है